साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। और ये लोगो जो इस महाकुंभ का इस बार लोगो है, इस लोगो का भी अनावरण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ की तैयारियों का सीएम योगी ने जायजा लिया। तो महाकुंभ मेला लगने वाला है 2025 में, बहुत कम वक्त बच गया है और ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर जो स्नान करने की जगह है, घाटों का सौंदर्यीकरण हो, पूरी व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान कर सकें और लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु जुटते हैं महाकुंभ में। तो इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करना, कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इस लिहाज से एक एक तैयारी ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने या फिर टेंट की व्यवस्था करना हो, और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होनी चाहिए और हर लिहाज से तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ इसीलिए आज प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए यूपी पुलिस के हों, पीएसी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था।